सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते है हाथ पैरों में सोजना हाथ पैरों में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए खासकर मैं तीन रेमेडी शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले जो रेमडी हो वो क्या करना है पानी लेना है पानी लेके उसमें थोड़ा सेंधा सांबर डालना है उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है गर्म करके हाथ पैरों की अच्छे से करनी है शिकाय करने के बाद में आपको सरसों का तेल लेना है सरसों के तेल में भी चुटकी भर आपको सेंधा नंबर डालना है और थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए उसी से आपको हाथ पैरों के अच्छे से मसाज कर लेने मसाज करके फिर बाद में रात को ही आपको ये काम करना है और फिर शौक से गलत हाथ पैरों में पहन लेना है फिर बाद में दो से तीन दिन में आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जो दूसरा उपाय बताने वाले उसमें आपको गर्म पानी लेना है गर्म पानी से हाथ पैरों को सिकाई करके फिर पेट्रोल जली वेसिन लगा लेना है अच्छे से मसाज करनी है तो यदि आपके हाथ पैर फटे होंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हाथ पैरों में ईचिंग हो रही होगी स्वेलिंग आ रही होगी तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और जो मैं तीसरा उपाय बताने वाली हूँ वो नींबू से है नींबू का रस निकाल लेना है नीमू कट करके नींबू का रस निकाल लेना है फिर हाथ पैरों पर अच्छे से अप्लाई कर लेना अप्लाई करने के बाद में फिर बाद में पानी से धो लेना है दस से पंद्रह मिनट के बाद में और फिर बाद में वेसिन लगा लेना है सौख और गलत पहन के और दो से तीन दिन में बिल्कुल आपके हाथ पैर भी ठीक हो जाएंगे